घमासान.com में मैं हूं आपके साथ बागीशा और आज हमारे बीच मौजूद है इंदौर फिल्म फेस्टिवल के ऑनर और डायरेक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि फिल्म फेस्टिवल क्या होता है, कहां से, किस एंड क्या मोटिव है आपका? मोटिव पहले तो अपन इंदौर फेस्टिवल इंदौर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल बोले। जी सर। अच्छा, जो शॉर्ट मूवीज होती है वो अगर 40 मिनट का हो गया तो वो लॉन्ग मूवी में आ जाता है, 39 मिनट तक जो होता है वो शॉर्ट मूवीज होती है। हम लोग 15 मिनट तक का इंदौर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल रखते हैं, जिसमें जो बच्चे अभी आप देखिए शॉर्ट फिल्म्स काफी बन रही है, आप देखिए बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। अच्छा, आप एक चीज देखिए, आने वाला समय जो है वो लॉन्ग फिल्म कोई देखेगा ही नहीं, टाइमिंग ही के बाद नहीं, डिजिटल जमाना है तो शॉर्ट फिल्म। अच्छा, जो संदेश शॉर्ट फिल्म देगी वो कभी भी एक 3 घंटे की मूवी नहीं देगी आपको। सर, एक्चुअल में होता है कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है वो लोग शॉर्ट फिल्म देखना पसंद करते हैं, तो आपका क्या कहना है सर? एकदम सच्ची बात है, आने वाले 2 या 4 साल में आप देखेंगे कि सिर्फ शॉर्ट फिल्म ही चलेंगी, लॉन्ग फिल्में जितनी भी हो। और बड़े बड़े आप देखिए, अनुपम खेर जी ने खीर पिक्चर में शॉर्ट फिल्म में काम किया है, बोमन ईरानी ने किया है, अच्छा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी भी अभी एक शॉर्ट मूवी कर रहे हैं, तो आने वाला समय आप समझ लीजिए शॉर्ट फिल्म का ही है। और एक हमारा जो मेन मोटिव है कि जो बच्चे शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं अभी उनको मंच नहीं मिल रहा है, उसके लिए बच्चों को मंच हम लोग देते हैं। और इसमें हम लोग किसी से भी कोई चार्ज नहीं लेते हैं, और उसको 21,000 का 51,000 का प्राइस ये हम पर्सनल देते हैं। जी सर, आपने कब से स्टार्ट किया, क्या सोच कर ये स्टार्ट किया? ये सोच यही थी कि बच्चों को जिनको मंच नहीं मिला, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, हो सकता है ऐसे 25 साल पहले मैं अपने अंदर हीरो देखता हूं, उस समय मैं सक्षम नहीं था, आज जब सक्षम हुआ तो जो सपने हैं बच्चों के वो सपने पूरे होना चाहिए। जी। और ये शुरुआत अकेले करी तो उसमें राहत इंदौरी का उस शेर ने बड़ा काम दिखाया कि लोग हर मोड़ पर रुक कर संभलते क्यों हैं, और इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं, तो मैं घर से निकल गया और डरा नहीं, और इस तरह मैं 2 साल पूरा किया है। पर दूसरा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जैसा बता रहे हैं कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होता है, तो आपने आईडिया आपको कहां से बच्चे मिले, बच्चे लोग जो इंदौर में बनाते हैं, ये सिर्फ इंदौर में ही होता है या बाहर के लोग भी इसमें शामिल हैं? बाहर के लोग, अभी जैसे हमारा जो 2018 का शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दिसंबर में हमने किया, हमारे पास 178 मूवीज आई, जिसमें इंदौर की सिर्फ 20 थी, बॉम्बे की 22 मूवीज थी, तमिलनाडु की मूवीज थी, सांगली की मूवीज थी, और जो भी जो जीता सेकंड प्राइज जीता वो सांगली की मूवी ने जीता। तो हम लोग फेसबुक से, इंस्टाग्राम से हम लोग ऐड करते हैं, तो उससे हम लोगों को शॉर्ट मूवीज आती है। और क्रेज इसलिए भी बन गया है कि दूसरा साल था हमारा, तो पहले लोगों को मालूम था। तो सर, पहली बार में आपको कैसे कामयाबी मिली, जब आपने पहली बार इसको किया? पहली बार किया तो कामयाबी बहुत अच्छी मिली, हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी कामयाबी मिलेगी। पहली बार आपको कितनी फिल्म्स मिली थी? पहली बार मुझको मिली थी 72 मूवीज मिली थी, उसमें हम लोग लेकिन दिखाते 15 हैं, जो 72 में से 15 हमारी जो जूरी है वो 15 निकालती है, 78 में से आप लोग 15 सिलेक्ट करते हैं, जूरी किस मोटिव पे सिलेक्ट होती है वो फिल्में? हम लोग 3 चीजें, एक तो उसका जो मैसेज क्या है, सबसे पहला हम लोग मैसेज देखते हैं, दूसरा मूवी बनी कैसे है वो हम लोग देखते हैं, और तीसरा फिर जो ज्यूरी हमारी चेक करे उसके ऊपर रहता है। ओके सर, मेरा ये कहना है कि जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है, तो क्या आप चाहते हैं कि इंदौर की तरफ से कोई हमेशा हर साल एक मूवी इंदौर की तरफ से पहला इनाम जीते? होना तो चाहिए। दो बार किया है तो इंदौर का कोई चांस, इंदौर का चांस, जैसे अभी हमारे अभिनव दुबे जी जो हैं, उन्होंने आप देखिए कांस में वो फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ पे जीते थे, जो पहला फिल्म फेस्टिवल था मेरा, अभिनव दुबे जीते थे, फर्स्ट प्राइज उन्हीं को मिला था। अभी हिंदुस्तान में वो पहले हैं जिन्होंने 2 बार कांस में लगातार पार्टिसिपेट हुआ है, मतलब 5,000 मूवीज में 30 मूवी सिलेक्ट होती है, उसमें से उनकी सिलेक्ट हुई है। जी सर, आप क्या ड्यूरेशन रहता है आपके, जैसे आपने बताया टाइम? हम लोग 15 मिनट तक की मूवी देखते हैं, 15 मिनट तक। सर, कब होता है प्रोग्राम आपके? ये लोग हम दिसंबर में करते हैं, हर दिसंबर में, एवरी दिसंबर। ओके ओके सर, मेरा ये कहना है कि जिन बच्चों को आप मंच दिखाते हैं, तो उन बच्चों के लिए आपका सपोर्ट क्या रहता है? उनका सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये होता है कि उनको एक मंच मिल रहा है, उसके बड़ा सपोर्ट ये होता है कि उनको उनसे हम कुछ भी एंट्री चार्ज नहीं लेते हैं, 21,000 का प्राइज मनी हम देते हैं, और 3 प्राइजेस देते हैं हम। अच्छा, जो 3 मूवीज हमारी आती हैं उसको फिर हम लोग फ्लोट कराते हैं, तो वो जो फ्लोटिंग के बाद वो मूवीज जो कुछ लोगों पर सीमित हो जाती है, 100, 200, 500 लोगों पर, वो लाखों लोगों तक पहुँचती है। सर, जो बच्चे शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं उनका उनका उन लोगों का भी दिल करता है बॉलीवुड में जाने का, तो सर आप लोगों का क्या सपोर्ट रहता है बॉलीवुड तक पहुंचाने का, कोई आपने कुछ सोच? हाँ, हमारे कनेक्शंस हैं। देखिए, बॉलीवुड में जो सबसे बड़ी जो चीज है, असली में क्या होता है, हर आदमी कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझता है ना, ये तो पक्की बात है। अब वो चक्कर क्या है कि वहाँ टैलेंट चलता है,
समय लगता है लेकिन टैलेंट 100% चलता है, टैलेंट के अलावा कुछ नहीं चलता वहाँ। तो हमारे जो कनेक्शंस हैं, हम लोग उन लोगों को वहाँ पे कनेक्शंस देते हैं और फिर उसके बाद उसका उसकी मेहनत, और उसके बाद सबसे बड़ा तो भाग्य होता है, आप खुद भी जानते हैं। आगे प्लान हमारा ये है कि अगली बार हम लोग ऐसा चैनल डेवलप करना चाहते हैं कि जिसमें अपने आप मूवीज आए, और ये जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हम 6 महीने में करना चाहते हैं, जो साल में एक बार करते हैं वो 6 महीने में करना चाहते हैं। अच्छा, हम जानबूझ के कोई विषय नहीं देते जी। अगर जैसे मैंने स्वच्छता का विषय दिया तो हर मूवी उसके आसपास रहेगी। अब मुझको एक थोड़ी सी जो तकलीफ होती है ना ये शॉर्ट मूवीज में, हर जगह नारी को दुखियारी बताया गया। आप बताओ, मेरे पास 178 मूवीज आई, उसमें 150 मूवी में दुखियारी नारी थी। जबकि आज इतना स्ट्रॉन्ग, आज एक लड़की, इतनी छोटी लड़की बैठे इंटरव्यू ले रही है, आप नारी को देख सकते हो कि नारी का रूप है। आजकल हो क्या गया है कि मोदी जी के आने के बाद से जिस तरह नारी शक्ति को आगे निकाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं नारी एक अपनी शक्ति को लेकर कहीं ना कहीं मेल को अपमानित साबित भी करती है, गलत इल्जाम भी लगाती है शक्ति को लेकर। सर, उस पर क्या कहना है आपका? मेरे हिसाब से 50% कहते जैसे ही है जो आप बोल रही है। मैं ज्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि एक नारी बैठी है मेरे साथ। सर, मेरा ये कहना है कि जो फिल्म आपके पास आती है वो किन विषय पे ज्यादा आती है? ये मैं आपको बताया, जैसे 178 में से मेरे पास जो 120 फिल्में नारी इस पे ही आई, तो मेरा कहना ये होता है कि उसके अलावा भी काफी। अभी आप एक चीज मैं बताऊँ, आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल का। बच्चे आप देखो ग्राउंड पे, आपको गुल्ली डंडा खेलते हुए बच्चे नहीं मिलते, है ना, आपको आंटी खेलते हुए बच्चे नहीं मिलते, कैंची खेलते हुए, सिर्फ मोबाइल में बच्चे थे। अब आप एक चीज देखिए बेटा कि मोबाइल से कितना नुकसान हो रहा है। आप क्या सोचते हो कि अगर सचिन तेंदुलकर मोबाइल खेल रहा होता तो सचिन तेंदुलकर को मिलता? किसी कीमत पे नहीं मिलता। ये सब चीजें हैं, ये बहुत बड़ा विषय है आज की मोबाइल। दूसरा, आप एक चीज देखिए, आज से 15 साल पहले दैनिक भास्कर देख लीजिए, नई दुनिया देख लीजिए, कोई भी अखबार आप उठा के देखिए, एक हफ्ते में एक सुसाइड होता था। आज के दिन में एक दिन में 7 सुसाइड हो रहे, ये समस्या नहीं है इतनी बड़ी? बहुत बड़ी। इससे बड़ी क्या समस्या हो लेंगे आप? सर, आगे जो फिल्म्स आपने जो सोच रहे हैं कि एक साल में 6 महीने होना चाहिए, तो आगे आपने कोई ऐसा सोचा है कि आपने ये बोला कि भाई 200 में से 150 हुई तो नारी शक्ति को, तो आपने सोचा आगे कोई विषय दिया जाए? विषय में विषय का प्लानिंग मैंने जो करा है वो है, सबसे बड़ा विषय है सुसाइड से। मेरे को वो देख के बड़ी तकलीफ होती है, मतलब एक क्या सही शक्ति नहीं रही लोगों में, और मेरे को ऐसा लगता है कि सही शक्ति नहीं होने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण मोबाइल। आप देखिए, एक जमाने में से 20 से 25 लोगों का कुनबा हुआ करता था, एक आदमी की चलती थी और हर कोई सुखी से रहता था। आज की डेट में छोटी छोटी फैमिली हो गई, तो फैमिली होने के कारण आप देखेंगे ना, 4 लोग रेस्टोरेंट में गए हैं, चारों की चारों के हाथ में मोबाइल अपने व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो जाने का मतलब क्या, हम वहीं पे बैठ के खाना खा ले, एक ही जगह बैठ के अकेले अकेले खाना खा ले, ये चीज है। तो हमारा आगे जो है, और एक मैं चाहता हूँ कि आपके Ghamasan.com से भी एक मैसेज दिया जाए कि किसी भी कीमत पे डिप्रेशन का सबसे बड़ा कॉज है आपस में ना मिलना जुलना। जी सर, आजकल मोबाइल फोन आने से लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ये फैक्ट है ना। अब आप, आपके घर कोई आता है जी, अच्छा आपके घर कोई आया, आप व्हाट्सएप पे लगे हुए, आपने देखा वो इंसल्टिंग फील करता है, 15 मिनट में चले जाता है। तो सर, मेरा मोटिव ये है कि जिस तरह शॉर्ट फिल्म बनती है, जो उसके यहाँ कोई विषय ऐसी कोई, आपने बताया कि कहीं के जो फर्स्ट अवार्ड सेकंड अवार्ड जी सर, तो उससे कोई मोटिव लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा मिली है, कोई ना कोई जागरूक कहीं ना कहीं हुआ है आपकी फिल्मों से, जिस तरह आपने अवार्ड दिए। अभी जैसे मैं आपको एक मूवी आई थी, वो थी स्वच्छता अभियान के ऊपर, लेकिन उससे मैंने एक चीज देखा। अब एक चीज हम देखेंगे कि स्वच्छता अभियान का जो हमारे यहाँ पे मोटो चला जी। पहले हमको बड़ी घंटाली आती थी, आज हम लोग अगर कहीं भी कचरा भी डालते हैं तो हम देख लेते हैं कि कहीं डाले नहीं कुछ में डाले, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन हर किसी को मिलता है। अच्छा, एक चीज है, उसके कारण शॉर्ट मूवीज और बनना शुरू हुई। आज 52 मूवीज मेरे पास पहली बार थी, आज 178 आई, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगली बार हो सकता है कि वो 1000 क्रॉस कर नहीं पाए। हाँ सर, वो तो है। तो आगे जैसे आपने सोचा कि विषय, तो सर किन विषय पे आपका प्लान है आगे करने का, कि इन विषय पे मुझे शॉर्ट फिल्म के लिए बोलना है? विषय बहुत से हैं मैडम, विषय सबसे बड़ा मैडम जो विषय है, एक जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं हॉस्टल्स जी, एक बहुत बड़ा विषय है, उनके कारण जो गंदगी शहर में चल रही है। आप देखिए, अभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब कोई सिगरेट पीती हुई लड़की आपको देखने को मिलेगी आज से 20 साल पहले, आज आप देखिए सर क्या हालत हो रही है ना। और लड़कियां जो है ना, लड़कियां लड़कों से ज्यादा सिगरेट पी रही है, आप देखिए, है ना। अच्छा, ये अच्छी तो नहीं है जी, जो बुरी है वो बुरी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके लिए। तो ये इसके लिए हॉस्टल्स जिम्मेदार है, मतलब आप। अच्छा, मैं एक और चीज बोलूंगा, एक चीज और है कि आज 40% अगर आपके 12th में आए हैं,
और आप सोच रहे हो क्या बच्चा इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तो ये सोच भी तो देखनी पड़ेगी ना, हमारे बच्चे का टैलेंट किस दिशा में, वो देखना पड़ेगा। आप देखिए गांव से बच्चे आते हैं, माँ बाप वो एक बड़ी सी छोटी सी बच्ची को लाते हैं, वो 6 महीने बाद वो शर्मिंदगी लगी क्या हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। ये है कि जिस तरह शॉर्ट फिल्म आप करते हैं उस तरह फैमिली बैकग्राउंड क्या रहता है आपके यहाँ के बच्चे सोचते हैं कि हम लोग कोई फैमिली एक फिल्म बनानी चाहिए शॉर्ट फिल्म। तो सर आपने कभी सोचा आपकी फैमिली की तरफ से एक शॉर्ट फिल्म है, प्लानिंग है मेरी, अभी एक मूवी बन रही है उसके लिए नसरुद्दीन शाह साहब से बात चल रही है। जी, एक मूवी बना रहे हैं हम लोग 15 मिनट की। अच्छा। उस मूवी का नाम कहीं से घनसू एमएलए के नाम से, बहुत अच्छी मूवी बन रही है। ऐसे हम लोगों की 5 प्रोजेक्ट है, लाइन से 5 प्रोजेक्ट है मेरे। और उसमें मैं चांस एक तो बॉलीवुड का इसलिए देना पड़ेगा, एक नाम इसलिए देना पड़ता है कि उसके कारण लोग देखते हैं। जी सर, वो बाकी में बाकी जितने भी लोग हैं वो इंदौर के बच्चों को ही मैं उसमें दूंगा, पूरा उन बच्चों को। और इसमें इन फिल्मों के लिए मैं पे भी करता हूँ। जनरली यहाँ पर इंदौर में एक बहुत गंदा ट्रेड है, जो भी बच्चे शॉर्ट फिल्म में काम करते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, ये बहुत गंदा ट्रेड है। सर इंदौर नहीं, कहीं आप मुंबई में देख ले तो छोटी छोटी फिल्मों के लिए अगर आपको उस फिल्म में अभिनय करना है तो उन लोगों से पैसे लिए जाते हैं। पैसे लिए जाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये ट्रेड हम लोग बदलेंगे, हम पैसे देंगे भले वो एक नॉमिनल अमाउंट, लेकिन वो देंगे जरूर। बेस्ट ऑफ लक सर फॉर योर मूवी। तो देखा आपने किस तरह सर ने कहा कि एक शॉर्ट फिल्म के द्वारा एक बच्चों को मंच दिलाना, जिस तरह सर ने कहा कि एक शॉर्ट फिल्म के लिए देश भर में बच्चों से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन सर का सिर्फ यही अहम है कि उन बच्चों को थोड़ा सही पर कुछ ना कुछ पैसा दिया जाए। तो ऐसी जानकारी और ऐसी खास मेहमानों के लिए मिलने के लिए बने रहिए घमासान.com के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।